राम राम। 22 जनवरी 2024 मृगशिरा नक्षत्र, ये वो समय है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने बाल्य रूप में उस गर्भगृह में विराजेंगे। आप सोच कर देखिए कि ये कितना सुअवसर है और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में ये एक महत्वपूर्ण अद्भुत घटना होने वाली है। 500 वर्षों तक पूरे देश ने, ना जाने कितने लोगों ने इस काम के लिए संघर्ष किया। आज भी अयोध्या के आसपास सूर्यवंशी लोग हैं जो चमड़े की चप्पल नहीं पहनते हैं और अपने सिर पर पगड़ी नहीं बांधते हैं, क्योंकि उन्होंने ये वचन ले रखा था कि जब अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनेगा तभी वो ये धारण करेंगे। उनके लिए ये कितना बड़ा अवसर है। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपने अमूल्य जीवन की आहुति दे दी। कोठारी बंधुओं को कौन नहीं जानता। ना जाने कितने लोगों ने इन विधर्मियों से लड़ते हुए राम मंदिर की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। राम, जिस रामचरितमानस का पाठ हमने ना जाने कितनी बार सुना है, किसी भी सुअवसर पर ऐसा नहीं होता कि रामचरितमानस का पाठ ना करवाया जाता हो। हमारी हर कण कण में राम विराजमान है। ये जनमानस राम के चारों ओर ही घूमता है। हम अभिवादन के लिए भी राम राम बोलते हैं और हर प्रकार से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में भी राम का ही स्मरण करते हैं। जरा सी चोट लग जाती तो हे राम ही हमारे मुंह से निकलता है और अंतिम यात्रा में भी राम नाम सत्य का ही उद्घोष होता है। राम की ही सौगंध हम खाते हैं। तो जब हमारी पूरी जीवन परिचर्या में, पूरी जीवनचर्या में, दिनचर्या में, हर कण में, हर पल में राम विराजमान है, तो अगर ऐसे में कोई आपसे पूछता कि उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर कहां है, तो हिंदू शर्म से अपना सर झुका लेते थे। क्योंकि इसी भारतवर्ष में, जिसके कण कण में राम विराजमान है, जो भारतवर्ष की आत्मा है, उस भारतवर्ष में भगवान राम को अपने मंदिर के लिए 500 वर्षों के कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भी जब यह काम तुरंत हो जाना चाहिए था, तब भी अदालतों में इसको घसीटा गया। देश की एक सबसे बड़ी पार्टी ने ना जाने कितने वकील खड़े कर दिए, केवल यह साबित करने के लिए कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। जबकि वाल्मीकि, तुलसीदास, कंबन, कालिदास, ना जाने कितने लोगों ने जगह जगह पर राम का वर्णन किया है। सिख पंथ में भी गुरु नानक देव जी ने यही लिखा, यही बताया कि हम उन्हीं राम के वंशज हैं। तो जब सब कुछ राम से ही है, तो राम का मंदिर नहीं होना चाहिए था। और आज इतने वर्षों के बाद जब राम का मंदिर उसी अयोध्या धाम में बन रहा है, तो यह हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष, उल्लास और गर्व का विषय होना चाहिए। और है भी, पूरा देश प्रसन्न है, पूरा विश्व प्रसन्न है कि सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना होने जा रही है। परंतु ऐसे अवसर पर भी कुछ लोग बहुत दुखी हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां बोल रही हैं कि एक राजनीतिक कार्यक्रम है, एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। तो यदि ये राजनीतिक कार्यक्रम है भी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि धर्म तभी बढ़ता है जब उसे राजनीतिक आश्रय मिलता है। संसार में आप देखिए, इस्लाम बढ़ा क्योंकि उसको राजनीतिक आश्रय था और आज वो 57-58 देशों तक फैल गया। क्रिश्चियनिटी, क्योंकि उसको राजनीतिक आश्रय था, वो आज दुनिया भर में छा गई। हिंदुत्व को राजनीतिक आश्रय नहीं मिला, इसलिए हम एक देश तक ही सीमित हैं। हम जुझारू हैं, इसलिए हम हजारों वर्षों की गुलामी के बाद भी अपने धर्म को बचाए रख सके, और आज वो धर्म अपने शीर्ष पर पहुंचने वाला है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि राजनीतिक है, तो हां है। आपको, जिन लोगों ने इस वृक्ष को लगाया,
जिन्होंने इस मंदिर के लिए संघर्ष किया। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की और उन्होंने इस वृक्ष को लगा करके पोषित करके बड़ा किया, तो उसकी छाया में बैठने का तो उनको अधिकार है ना। जिन्होंने उस वृक्ष को लगाया और आज उस वृक्ष पर फल आ रहे हैं तो उसको उनको अधिकार है उस फल को चखने का। तो जो लोग ये बोलते हैं उनके पास भी सुअवसर है। अभी ज्ञानवापी है और मथुरा है, वो भी वृक्ष लगा सकते हैं। दूसरा, कुछ हमारे ही लोग हैं जो ये बोलते हैं कि अभी मंदिर अपूर्ण है, विधर्मियों के आक्रमण के प्रभाव में हमने पेड़ों के नीचे पत्थरों को देव मानकर पूजा है और ये मंदिर हमारे उसी धर्म की निरंतरता का एक प्रतीक भी है। तो अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर अपूर्ण है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए, उन्हें मंदिर के आंदोलन में अपनी भूमिका की भी एक बार समीक्षा करनी चाहिए कि क्या उन्होंने मंदिर के इस संघर्ष में कोई भी योगदान दिया, क्या उन्होंने हिंदुत्व के उत्थान में कोई भी योगदान दिया। शायद नहीं, और इसीलिए जब वो पूछे नहीं जा रहे हैं तो वो नाराज हो रहे हैं। तो आप सभी लोग इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए, बल्कि अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आपके ही जीवन काल में ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित होने जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 500 वर्षों के वनवास के बाद आज अपने गर्भगृह में बाल रूप में विराजने वाले हैं। हर्षोल्लास मनाइए, खूब दिवाली मनाइए, दिए जलाइए, पटाखे फोड़िए और सुंदरकांड का पाठ करिए, राम धुन बजाइए, खुशियां मनाइए, मिठाइयां बांटिए, प्रसाद बांटिए, मंदिरों में जाइए, लेकिन हर्षोल्लास में कोई कमी ना रहे। साक्षी बनिए हर एक पल का, क्योंकि कल आप ये कहानियां जब सुनाएंगे तो खुद ही मन में गदगद होते चले जाएंगे। इसलिए किसी की बात पर ध्यान ना दें, बस राममय हो जाएं, क्योंकि पूरा भारतवर्ष आज राममय हो चुका है। और साथ ही साथ धन्यवाद दीजिए इन सन्यासी पुरुषों का, मोदी और योगी का, जिन्होंने आपको ये अवसर दिया इस सुअवसर का साक्षी बनने का। जय श्री राम, जय जय श्री राम।